भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव दक्षिण के शेर वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। अंग्रेजी साम्राज्य काल, परंतु अंग्रेजों के साम्राज्य को भारी शिकस्त दे गई ये वीरांगना। मैं लक्ष्मीबाई हूँ झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भारत का पहला विद्रोह, अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत, मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत, जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था गुलामी की गहरी नींद में, जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई है। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। यह विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। जवान उठ खड़े हुए, उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे निकलते हैं। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले।
बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो अहिंसा के पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ा गए हमें वो बाबूलाल ढिबारे। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे धर 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 सुनकर उनका नाम रे राष्ट्रपिता हमारे बापू गांधी जी जाते जाते स्वतंत्र हिंदुस्तान को हमारे हाथों में सौंप गए और अपने हृदय के ये भाव हमें कह गए।